तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इस बार जतिन को डर लगने लगा था। नमस्कार दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का पात्र जतिन, जो भूत और चुड़ैल के बारे में रिसर्च करता है। हर दिन वो डरावनी जगह पर जाता है और वहां के रहस्यों को उजागर करता है। अब तक उसने बहुत सी जगहों के रहस्य सुलझा दिए थे। जतिन को भूतों और चुड़ैलों से डर नहीं लगता है। कुछ दिनों से जतिन बहुत परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जहां जाकर वो अपनी रिसर्च कर सके। एक दिन वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे बातचीत करता है। उसका दोस्त उसे रामगढ़ के राजमहल के बारे में बताता है। रामगढ़ का राजमहल कोई साधारण राजमहल नहीं है। ये राजमहल पूरी तरह से अपने रहस्यों से भरा पड़ा है और आज तक कोई भी इसके रहस्यों को उजागर नहीं कर पाया है। रामगढ़ जाने के लिए जतिन सारी तैयारी कर लेता है और सो जाता है। अगले दिन वो अपनी मोटरसाइकिल से रामगढ़ के लिए निकल जाता है। जतिन बहुत खुश था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसे भूतों के बारे में रिसर्च करने को मिल रही थी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था, इस बार जहां वो रिसर्च करने जा रहा है वहां से शायद ही वापस लौट पाए। रामगढ़ गांव जतिन के गांव से बहुत दूर था। आधे रास्ते पहुंचने के बाद जतिन को भूख लगने लगी थी। वो एक होटल पर रुककर नाश्ता करता है। जब वो वहां के मालिक से बात करता है और बताता है कि वो रामगढ़ जा रहा है, उसकी बात सुन उस दुकान का मालिक हैरान रह जाता है, लेकिन वो जतिन से कुछ भी नहीं कहता है। जतिन फिर से आगे जाने लगता है। रामगढ़ पहुंचने के बाद जतिन वहां के लोगों से बातचीत करता है। गांव वाले उसे राजमहल का इतिहास बताते हैं। आज से करीब 200 साल पहले यहाँ पर एक राजा रहता था। उस राजा का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता था। उसके बेटे ने उसकी अनुमति के बिना ही शादी कर ली थी। राजा इस रिश्ते के खिलाफ था। एक दिन जब राजकुमार शिकार पर गया था तो राजा ने अपने सिपाही के साथ मिलकर उस राजकुमारी को मार दिया था और उसकी लाश को उसी राजमहल में दफन करवा दिया था। जब राजकुमार उनसे राजकुमारी के बारे में पूछता है तो राजा झूठ बोल देता कि राजकुमारी महल से सोना लेकर भाग गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस महल में अजीब सी घटना होने लगी और महल में रहने वाले सारे लोगों की मौत हो गई। गांव वालों को लगा महल में भूत और चुड़ैल रहते हैं, फिर उन्होंने उस महल को आग लगाकर जला दिया था। गांव वालों का मानना है आज भी उस राजकुमारी की आत्मा उस महल में घूम रही है। पूरी कहानी सुनने के बाद जतिन उनसे महल का पता पूछता है। फिर गांव वाले उसे महल का पता बता देते हैं। जतिन अपनी मोटरसाइकिल से महल के लिए निकल जाता है। वो महल गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर था। जतिन महल के पास पहुंच जाता है। वो महल बाहर से पूरी तरह खंडर हो चुका था। जतिन उस महल के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ती है। वो किसी राजकुमारी की तस्वीर थी। शायद ये उसी राजकुमारी की तस्वीर थी जिसको राजा ने मार दिया था। जतिन को ऐसा लगा कि वो राजकुमारी उसे ही गुड़ रही हो, लेकिन जतिन उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जब वो और आगे जाता है तो उसे राजा और राजकुमार की तस्वीर दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे राजा की तस्वीर जतिन से कुछ कहना चाहती थी। जतिन को तस्वीर देखकर ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो और आगे जाता है। जतिन हैरान था, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी ऐसी अजीब घटना नहीं हुई थी जिससे लगे कि वहां पर सच में कोई आत्मा रहती हो। जतिन अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तभी अचानक से जतिन नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा लगा किसी ने उसे धक्का मार दिया हो, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ा और आगे चला गया। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस राजकुमारी को उसने तस्वीर में देखा था वो उसके सामने खड़ी थी। जतिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो राजकुमारी जतिन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। फिर वो जतिन के पास आती है। जतिन उससे कुछ बोलता उससे पहले वो वहां से गायब हो जाती है। जतिन को लगा शायद ये उसका वहम भी हो सकता है और वो और भी आगे चला जाता है। जतिन एक कमरे में पहुंच जाता है। उस कमरे में राजा की तस्वीर टंगी हुई थी। शायद ये राजा का ही कमरा था। जतिन कैमरे से रिकॉर्ड करता है। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देख जतिन को कुछ समझ नहीं आता है। वो डरा हुआ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी वो राजकुमारी जतिन के सामने आ जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो राजकुमारी गायब हो जाती है। इस बार जतिन को डर लगने लगा था। ऐसा पहली बार हो रहा था, क्योंकि आज से पहले जतिन ने ऐसी जगह नहीं देखी थी
वो महल के अंदर ही घूम रहा था तभी वह उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर राजा ने उस राजकुमारी को दफनाया था। जतिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक से जतिन हवा में उड़ने लगता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वो राजकुमारी भी वहां पर आ जाती है। उस राजकुमारी के हाथ में तलवार थी। उस तलवार को देख जतिन समझ जाता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वहां पर धुआं निकलता है। धुएं के निकलते ही जतिन नीचे आ जाता है। जतिन तेजी से वहां से भागने लगता है। जतिन जल्दी जल्दी उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो महल से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही जतिन अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और जल्दी जल्दी गांव की तरफ निकल जाता है। जतिन मोटरसाइकिल को फुल स्पीड से भगा रहा था। वो जल्दी से गांव में आता है और गांव वाले से बात करता है। गांव वाले उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा था उन्हें जतिन नहीं दिख रहा हो। जतिन को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो फिर से महल की ओर जाता है। जब वो महल के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं। जतिन की लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी जहां पर उसे राजकुमारी मिली थी। शायद जिस समय धुआं हुआ था उस समय राजकुमारी ने उसे मार दिया था। जतिन की आत्मा उसी महल में भटकने लगती है। अगले दिन गांव वालों को महल के बाहर जतिन की लाश मिलती है। जब पुलिस इस बात की छानबीन करती है तो उसे जतिन की लाश के पास उसका कैमरा दिखाई देता है। पुलिस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है तो उन्हें रिकॉर्डिंग में सिर्फ जतिन ही दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे जतिन किसी चीज को देखकर डर रहा था। और इसी तरह जतिन की मौत भी एक रहस्यमय बदल जाती है।